झुमके के नाम से देश विदेश में पहचान रखने वाला बरेली शहर हमेशा से बॉलीवुड में किसी न किसी रूप में अपनी ख्याति बरकरार बनाए हुए है, क्योंकि बॉलीवुड में कई फिल्में भी बरेली से जुड़ी हुई हैं। साथ ही कई फिल्मों में बरेली के झुमके पर गाने भी लिए गए हैं। इन्हीं तमाम प्रसिद्धियों के बीच बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट आज बरेली में झुमका तिराहा पहुंचे, जहां दोनों स्टार्स ने अपनी आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशन के लिए फैंस से फिल्म को देखने की अपील की। आपको बता दें कि एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने झुमका चौराहे पर पहुंचते ही सबसे पहले हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन किया और झुमके के नीचे खड़े होकर दोनों कलाकारों ने कई पोज में अपनी फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान स्टार्स को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां फैंस को बेहद उत्साहित और खुश देखकर रणवीर और आलिया अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उनके पास पहुंचे। इस दौरान दोनों स्टार्स को अपने बीच देखकर फैंस के चेहरे खुशी से खिल उठे। बताते चले कि दोनों स्टार झुमका तिराहे पर करीब 15 मिनट तक रुके, इसके बाद वह वापस अपने होटल की ओर रवाना हो गए। दरअसल बरेली पहुंचे एक्ट्रेस आलिया भट्ट देशी परिधान में साड़ी पहने बेहद सुंदर दिख रही थी, उनके कानों में झुमके भी नजर आ रहे थे। वहीं एक्टर रणवीर सिंह भी ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। इन दोनों स्टार की झलक पाने के लिए उनके फैंस बेहद आतुर थे। इस बीच स्टार्स ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। वहीं अगर बात करें बरेली के झुमके की, तो इसको लेकर शहर के प्रसिद्ध सराफा व्यापारी अनिल मराठा बताते हैं कि बरेली का झुमका हल्का और बड़े आकार में होता है, इसलिए महिलाएं बरेली के झुमके को पहनना ज्यादा पसंद करती हैं, जिनका बरेली में ही निर्माण होता है।